गांव माजरा प्यू में सतरोल खाप द्वारा युवा किसान सम्मेलन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चडुनी, अभिमन्यु कोहाड, विकास सीसर, रवि आजाद व विधायक सोमवीर सागवान ने शिरकत की। इस दौरान भारी संख्या में किसान इकट्ठे हुए और किसानों ने मांग की कि 3 कृषि कानूनों को सरकार जल्द से जल्द वापिस ले। देखिए, आज ये माजरा प्याऊ में नौजवानों, बुजुर्गों सब ने मिलके, पूरी खाप ने मिलके बहुत ऐतिहासिक किसान महापंचायत की, और इस महापंचायत के माध्यम से मोदी और खट्टर सरकार को ये संदेश दिया गया है कि ये पूरा इलाका, पूरे इलाके के बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग इस पूरे किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में बीजेपी और जेजेपी की सरकार की राजनीतिक जड़ों को उखाड़ फेंक देंगे, उनको हमेशा के लिए भूतपूर्व विधायक बना देंगे, दोबारा से उनको कभी सत्ता में आने नहीं देंगे। किसानों को देखो, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, ये जितना हमें दबाने का प्रयास करेंगे उतने ये अधिक मजबूत होकर सामने आएंगे, जितना हमें डराने का प्रयास करेंगे उतने ये अधिक ताकतवर होकर और निडर होकर इनको जवाब देंगे, इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ना हम डरेंगे, ना हम दबेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम पीछे हटेंगे। हर कीमत पे, हर सूरत में किसान ये आंदोलन जीतेगा, और ये भी हम देशवासियों को आश्वासन देते हैं कि आंदोलन हमारा जैसे अब तक शांतिपूर्ण और एकजुट तरीके से रहा है, ठीक इसी तरीके से शांतिपूर्ण और एकजुट आगे भी रहेगा। देखिए, ये बीजेपी की सरकार सिर्फ एक ही भाषा समझती है, और वो है कुर्सी इनको मिलती है या नहीं मिलती है, ये चुनाव में हारते हैं या जीतते हैं। तो हमने और भाषा तो समझा के देख ली इनको, गांधी की भाषा भी समझा ली, भगत सिंह की भाषा भी समझा ली, इनको हर तरीके से इनको समझा के देख लिया, लेकिन अब हमें लग रहा है ऐसा कि ये सिर्फ चुनाव में हार और जीत को ही समझेंगे। तो इसीलिए 12 तारीख को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत होने जा रही है, और उस महापंचायत के बाद 294 प्रचार गाड़ियों को हरी झंडी दिखा के पश्चिम बंगाल की सभी विधानसभाओं में उनको रवाना किया जाएगा। वो एक एक गांव में जाएंगे और बीजेपी की पोल खोलेंगे। हम किसी के लिए वोट नहीं मांगेंगे, हम किसी के पक्ष की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी 3 काले कानून लाके किसानों को मारना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी किसानों को MSP गारंटी कानून नहीं दे रही है, उस भारतीय जनता पार्टी को वोट बिल्कुल भी ना दे और कमल को हमेशा के लिए मुरझा दे। आंदोलन लंबा चल रहा है, कैसी भी हमारे सामने सिचुएशन आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, चाहे तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हम हर चीज का सामना करेंगे। पहले लोग ये भी पूछ रहे थे, आप जैसे मीडिया के बंदूक इतनी सर्दी में कैसे बैठेंगे, लेकिन किसान ने अपने जोश और जज्बे से किसानों ने जवाब दिया, तो इस गर्मी का जवाब भी हम अपने हौसले के साथ देंगे। महापंचायतों का दौर चल रहा है, तो जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर भी आप जाओगे? वहाँ पे जा रहे हैं, 12, 13, 14 वहाँ पे लगा रहे, कई दिन लगा रहे हैं वहाँ पे, पश्चिमी बंगाल में, और पश्चिमी बंगाल में जो है हरियाणा जो सुप्त मोर्चा के लोग हैं वो जाके कई पंचायतें वहाँ पे रख रहे हैं, और करें वहाँ पे NTBJP प्रचार करेंगे। नहीं, हरियाणा में बंद कर दिए जो पहले से रखी है, बस वही कर रहे हैं, आगे नहीं रख रहे। आंदोलन को इतना लंबा रख लिया तो वहाँ तक चलने की क्या तैयारी है? देखिए, हम लंबा तो सरकार ने किया है, हम तो बैठे हुए हैं अपने सड़कों में, और हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते। बस इतना सा है कि हम सोच रहे इसको जैसे कोई आर पार की करने वाला होता है उसलिए डरते हैं। युवा किसान मजदूर व्यापारी सम्मेलन था, बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। चारों पांचों हमारे किसान नेता जो जत्थेबंदी हो गए थे शामिल हुए, और हजारों की संख्या में महिलाएं और युवा और किसानों ने और मजदूरों ने इसमें हिस्सा लिया, और हमारे नेताओं ने इस आंदोलन में पूरी जान झोंकने का आह्वान किया, और हम उनका भी जो जत्थेबंदियाँ के आदेश आएंगे पूरी सतरोड़ खाप उसका समर्थन करेंगे।